अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको विजिट करवाने जा रहे हैं शमाली अफ्रीका के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क अल्जीरिया का। दोस्तों, अल्जीरिया सरकारी तौर पर इस्लामी जमहूरी जमहूरिया अवामी जमहूरी जमहूरी अल्जीरिया शमाली अफ्रीका के मगरिब के इलाके में पाया जाने वाला एक मुल्क है। इसका कुल रकबा 23,81,741 मरबा किलोमीटर है। अलजजायर इसका दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर माना जाता है। अल्जीरिया की कौमी जुबान अरबी है और अल्जीरिया की करेंसी दिनार है। अल्जीरिया की समंदरी सरहदें इटली और स्पेन के साथ मिलती है। अल्जीरिया को आमतौर पर जेरी और खजूर का मुल्क कहा जाता है। इससे मुराद यहाँ पर पाई जाने वाली मौसम की मुख्तलिफ इकसाम है। ज़ाहिरीन को रवायती तौर पर खजूर और दूध पेश करके खुशामदीद कहा जाता है। अल्जीरिया का सरकारी नाम अवामी जमहूरी जमहूरी अल्जीरिया है। अल्जीरिया का कानूनी मजहब इस्लाम है और किसी दूसरे मजहब के बारे में लोगों को मजहब तब्दील करना गैर कानूनी माना जाता है। दोस्तों, अल्जीरिया का कौमी जानवर फिनिक्स फॉक्स है, जो दुनिया में तमाम लोमड़ियों से सबसे छोटा है, और इस मुल्क की फुटबॉल की कौमी टीम का नाम भी इस जानवर के नाम पर रखा गया है। अल्जीरिया के लोगों में मेहमान नवाजी बहुत अहम है। इस मुल्क में अजनबियों और दोस्तों के साथ हर कोई यकसा मेहरबान है। मुसाफा यहाँ पर आम है, लेकिन चीजों और लोगों की तरफ इशारा करके अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना बदतमीजी समझा जाता है। 2017 के आगाज में अल्जीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी आर्ट मंडी भी मानी जाती थी। अल्जीरिया पर दूसरे ममालिक की कोई भी रकम वाजिबुल अदा नहीं है। इस मुल्क पर कोई भी बैरूनी मुल्क का कर्जा नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क के हर चार में से एक शहरी रोजाना $1 से भी कम पर गुजारा करते हैं, और इसी वजह से अल्जीरिया में काफी गुर्बत मानी जाती है। आलमी बैंक के मुताबिक अल्जीरिया की 5% आबादी ज़राई किल्लत की शिकार है। दोस्तों, अल्जीरिया के जमीनी रकबे का सिर्फ 12% आबाद है। अल्जीरिया की 29% आबादी की उम्र 15 साल से भी कम है। अल्जीरिया ने 1964 के बाद हर मौसम गर्मा के ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। इस मुल्क ने 5 गोल्ड मेडल और मजमुई तौर पर 17 तमगे जीते हैं। दोस्तों, माउंट ताद अल्जीरिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। इसकी ऊंचाई 3,003 मीटर यानी 1.9 मील है और इसकी लंबाई 700 किलोमीटर है। अल्जीरिया के शुमाली और जरखेज शुमाली इलाके में जैतून के दरख्त पाए जाते हैं। यहाँ सदाबहार जंगलात भी हैं, जो जंगली सूरों और दीगर जंगली जानवरों का घर हैं। मुख्तलिफ खजूर और अंजीर के दरख्त भी यहाँ पर उगते हैं। आप जितना जनूब का सफर करेंगे, जमीन और आब हवा उतनी ही बंजर होगी। यहाँ की नबातात बहुत कम है। खरगोश, सांप, बिच्छू और ऊंट सहराई आब हवा में रहते हैं। अपने इब्तदाई जमाने में यह मुल्क नमीबिया के नाम से भी जाना जाता था। अल्जीरिया की सियासी तारीख दिलचस्प और तराजात से भरी पड़ी है। 10 लाख से ज्यादा यूरोपियों को पकड़ा गया और फिर शुमाली अफ्रीका में इन्हें गुलामों के तौर पर बेच दिया गया। फ्रांस ने 1930 में अल्जीरिया को फतह कर लिया था, जिसकी वजह से यह मश्क बंद हो गई। उसके बाद फ्रांस ने अल्जीरिया पर 1962 तक हुकूमत की। अल्जीरिया का जदीद झंडा इंतहाई मखसूस नकात के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 3 रंग निस्ब किए गए हैं, जिसमे सुर्ख, सफेद और सब्ज है। सब्ज रंग जो इस्लाम और जन्नत की नुमाइंदगी करता है। सुर्ख रंग इन तमाम लोगों की कुर्बानी की इलामत है जो अल्जीरिया की आजादी के लिए लड़े थे, और जबकि सफेद रंग पाकिजगी और अमन की इलामत माना जाता है। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहें आपका पाकिस्तान टीवी।